subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आज आपको YouTube का एक ऐसा नया फीचर बताऊंगा जिससे YouTube आपके वीडियोस को ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है। जो भी आपकी वीडियोस को वॉच करेगा उसे कभी ना कभी आपकी वीडियोस को रेट करने का मौका मिलता है। तो मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि YouTube पे अभी मैंने गुरमान सर का वीडियो पूरा देखा, क्योंकि उनका ट्रेनर से रिलेटेड था। तो क्योंकि मैं खुद एक फिटनेस ट्रेनर हूं, तो मैंने उसे प्रॉपरली देखा एंड उसके बाद उस वीडियो की रेटिंग देने के लिए मुझे आया। तो मैं काफी लंबे टाइम से इस फीचर को YouTube पे देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए एंड आपको प्रॉपरली बताया जाए कि जो भी नया यूट्यूबर होता है तो YouTube सिर्फ उस कंटेंट को प्रमोट करता है जो कि एक बेटर कंटेंट है एंड जो एक बेस्ट वीडियोस बनाता है, क्योंकि YouTube अपने जो उनके व्यूअर्स हैं उनको खोना नहीं चाहता। तो उस वीडियो को पूरा देखें एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने YouTube ओपन किया तो जो मैंने गुरमान सर के पहले वीडियो देखा था तो मुझे उसका रिकमेंडेशन आ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वीडियो, कि आपको इस वीडियो को रेट करना है एंड बताना है, प्लीज़ टेल अस व्हाई, कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा लगा। तो जब भी मैं अपने वीडियोस को दूसरे चैनल से देखता हूँ अपने, तो मुझे भी कई बार मेरे चैनल का इस तरह से आ जाता है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है यूट्यूब का, कि यूट्यूब पे वही कंटेंट प्रमोट होगा जो अच्छा है, रेलिवेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे हम कितनी 5-स्टार रेटिंग तक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 1 स्टार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे नीचे आ रहा है प्लीज़ टेल अस व्हाई। तो उसमें पूरे प्रॉपर्ली जितने भी यूट्यूब के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है कि हेटफुल, ऑफेंसिव, मिसलीड, क्योंकि सब टाइम्स होता है कि हम व्यूज़ लेने के लिए अपने थंबनेल पे कुछ और लिख लेते हैं एंड वीडियो के अंदर कुछ और होता है। तो इस तरह से हम उस कंटेंट को वहाँ से हटा सकते हैं एंड यूट्यूब उस तरह के कंटेंट को कभी प्रमोट नहीं करेगा। देन मैं सेकंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो थोड़ा बता रहा है कि बोरिंग है, इरेलीवेंट है, डिसअपॉइंटिंग है, टेस्टलेस है, अनोइंग है, इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। देन आप इसको सबमिट भी। देन थर्ड के ऊपर है डिसअपॉइंटेड, इरेलीवेंट। मान लीजिए कि अगर 3 से कम आपको रेटिंग होती है आपके वीडियोस को तो आपका वीडियो YouTube प्रमोट नहीं करेगा। तो इस तरह बताया गया है डिसअपॉइंटिंग, इरेलीवेंट, डिफरेंट, मेडिको, मेडिक्री एंड अदर्स। तो जैसे मैं 4 स्टार के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे कई तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, एंटरटेनिंग, हेल्थ फोकस, रिलैक्सिंग, इंफॉर्मेटिव, नोवल, यूजफुल। एंड जैसे ही मैं 5 स्टार के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, वो भी पॉजिटिव में, हार्ट वार्मिंग, लाइफ चेंजिंग, इंजॉयबल, इंस्पायरिंग, कामिंग, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव। तो गुरमान सर का वीडियो मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, इसमें वो ट्रेनर्स की काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं हार्ट वार्मिंग एंड इंस्पायरिंग रखूँगा एंड इन्फॉर्मेटिव भी रखूँगा, यूजफुल, एंड इसको सबमिट कर दूँगा। तो कुछ इस तरह का मेरे सामने आ गया है, गॉट इट, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। इस तरह से YouTube उन वीडियोस को प्रमोट करता है एंड मैं आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों, आपने देखा कि 1 से लेकर 5 के बीच में रेटिंग का ऑप्शन आता है एंड जब भी आप किसी वीडियो को वॉच करेंगे, ये आपको हर बार तो नहीं लेकिन कभी कभार आपको रेटिंग करने का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। तो इससे YouTube ये अंडरस्टैंड करता है कि किसके कंटेंट में कितने क्वालिटी अच्छी है एंड कितनी रेटिंग उसको प्रॉपरली मिल रही है, कि उस और इस वीडियो को कितना प्रमोट करना है। तो उसी तरह से ये हर एक वीडियो को एंड मान लीजिए जिसके 10 सब्सक्राइबर हैं, अगर उसकी वीडियो को मैंने प्रॉपरली वॉच किया है पूरा, तो मुझे ये रेटिंग देने के लिए कभी ना कभी ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं ये 1 सब्सक्राइबर से लेकर 1 लाख व्यूअर्स क्या, जितने भी कितने सब्सक्राइबर हो सकते हैं किसी के, उनको रेटिंग देने का ऑप्शन हमारे पास आता है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गूगल एडवर्ड्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मैं कहता हूँ अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो यूट्यूब उस कंटेंट को खुद प्रमोट करेगा। तो इसलिए अच्छा कंटेंट बनाते रहिए और कभी आपको ऐसा ऑप्शन आया तो मेरे वीडियो को 5 रेटिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. In